नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है। तो पहली खबर गोल्ड और सिल्वर को लेकर, शुरुआती दौर के मुकाबले अब मार्केट में अच्छी रिकवरी आई है गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में। और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव करीब करीब 167 रुपये ऊपर है और चांदी की कीमतों में भी तेजी है। तो गोल्ड और सिल्वर में अब रिकवरी आती हुई दिख रही है। अब मार्केट की पूरी नज़र फेड की मीटिंग पर टिकी हुई है। कल से फेड की दो दिन की बैठक शुरू हो रही है और वहां से क्या संकेत मिलेंगे उसके बाद बाजार की तस्वीर और साफ हो पाएगी। इसके अलावा कच्चे तेल में कमजोरी है और क्रूड का मार्केट फिसला है। MCX पर कच्चा तेल 5200 के करीब है, 1.5% की नरमी है और ब्रेंड क्रूड का भाव $74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड का भाव $71 के नीचे फिसला है। नेचुरल गैस की कीमतों में तेज गिरावट आई है और जबरदस्त तेजी के बाद आज मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन है। और MCX पर इस वक्त अगर आप देखें तो नेचुरल गैस का भाव करीब करीब 3.5% नीचे है और 368 रुपये के आसपास नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा सोयाबीन में भारी गिरावट का माहौल बना है और लोअर सर्किट है। सोयाबीन में 5% से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 6000 के नीचे सोयाबीन का भाव लुढ़क चुका है और आज बिकवाली ग्वार में भी हावी है। ग्वार सीड का वायदा 5800 के नीचे आया है और ग्वारगम का प्राइस 9500 के नीचे। तो ये इस वक्त का ताज़ा अपडेट है। तो कुल मिलाकर आज एग्री मार्केट में ज़बरदस्त बिकवाली का माहौल है। शुरुआती दौर में नॉन एग्री में भी गिरावट थी लेकिन अब मार्केट वहाँ पर रिकवर होता हुआ दिख रहा है, गोल्ड का और सिल्वर का खास करके। चलिए अब बात करते हैं कि आज आपके लिए ट्रेड करने का मौका कहाँ पर होगा। अजय केडिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं गोल्ड का मार्केट इस वक्त आपको कैसा लग रहा है और गोल्ड में एग्जैक्टली इस भाव पर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो पिछले हफ्ते भी ऐसी उम्मीद लग रही थी कि जो भी डेटा पॉइंट है उसके बावजूद हम एक अच्छा जंप देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि डेटा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आया और एकाएक हमने सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये हफ्ते की फेड की मीट, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद है कि आगे का टोन कैसा रहने वाला है। तो आई थिंक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा है और साथ में रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो आज बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 46,000 पे गोल्ड को लेना चाहिए, करंट मार्केट से भी लेके चल सकते हैं। 45,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 46,350 तक का एक करेक्टिव जंप हम गोल्ड में देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? आज कॉपर में कमजोरी और इनफैक्ट मेटल मार्केट के लिए तो बहुत ही नेगेटिव खबरें हैं और उसका इम्पैक्ट भी मेटल पर दिख रहा है। आज सारे मेटल लाल निशान में हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कमजोरी है, डॉलर मजबूत हुआ है। आप बताएं क्या किया जाए अभी कॉपर में? देखिए, बेस मेटल में मैं लॉन्ग टर्म कोई बड़ी मंदी नहीं देख रहा हूँ। नो डाउट हमने जो चाइना से एवरग्रैंड का जो अपडेट आता हुआ देखा उसके बाद एक ओवरऑल हम देखें कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे इक्विटी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में उसका भी असर था। आज हमने देखा हांगकांग का जो शेयर बाजार है वो 17% नीचे जाता हुआ, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट पे पड़ेगा और इसके चलते हमने आयरन ओर के भाव में भी जबरदस्त गिरावट देखी और उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट सभी मेटल्स पे पड़ा है। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से हमें लगता है कि कॉपर में जब तक 720 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता है, प्राइजेस में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव ट्रेड रह सकता है। 710 पे बेच के चलिए, 714 का स्टॉप लॉस रखिए, डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा बट 702 तक का एक सपोर्ट हम देख पाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कॉपर के ऊपर। अब आप जरा बताएं कि कच्चे तेल में अचानक गिरावट क्यों बढ़ गई है? इस वक्त करीब 2% के आसपास की नरमी है क्रूड में, 5200 के नीचे आ गया है। ये गिरावट क्यों और क्या ये गिरावट और बढ़ेगी क्रूड में? बिल्कुल मित्र जी, जैसे हमने शुक्रवार के सेशन में भी कहा था कि तूफान जो दो हरिकेन US में हिट हुए थे, इडा और निकोलस, उसके चलते सप्लाई में काफ़ी बाधिता देखी गई थी गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जहां पे 70% रिफाइनरीज ऑफलाइन मोड में थी। जैसे हमने उम्मीद किया था कि ये हफ्ते में रिफाइनरीज वापस ओपन अप हो जाएगी, सप्लाई रिस्टोर होगी, जिसके चलते ये गिरावट बनी है। टाइमिंग हमें लगता है कि ब्रांड की अगर बात करें तो 75 से मार्केट अच्छे से एक सेलिंग प्रेशर में घूम चुका है, जो हमें लगता है 70 से 71 तक का सपोर्ट ले सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़ी गिरावट कम है बिकॉज रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट जरूर कर रही है। बट ओवरऑल हमें लगता है करंट मार्केट से भी मार्केट में बिकवाली करके चलना चाहिए। 5150 का तो इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल लगता है कि 5050 से 5060 तक का भी लेवल हम क्रूड ऑयल में देख पाएंगे।
कॉटन सीड ऑयल के कपास खली का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए मित्र जी, आज अगर हम बात करें पूरे एग्री पैक में एक सिंगल ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है जो पॉजिटिव है। पूरे एग्री पैक के अंदर हमने गिरावट देखी है, बट कहीं ना कहीं अब ऐसा टाइम है कि यहाँ पे हम थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू या ऐसी कमोडिटी चुने जो रिकवर कर सकती है। उसमें है कॉटन सीड ऑयल की, 2400 के लेवल पे हमें लगता है कि टेक्निकली अच्छा बेस बन जाएगा मार्केट में, क्योंकि जो सप्लाई आ रही थी या जो डिमांड में कटौती थी वो कहीं ना कहीं अब बेस बनाता हुआ दिखाई। तो दिसंबर वायदा 2410 में लेके चलिए, ओवरऑल टारगेट हमें लगता है 2480 तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है, मस्टर्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मस्टर्ड में लगातार दो कारोबारी सत्रों से तेज गिरावट का माहौल बना है, क्या ये गिरावट एक बाइंग का मौका दे रहा है या कुछ और कमजोरी आप देख रहे हैं अभी? देखिए मतलब जी, मस्टर्ड की बात करें तो पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा था कि एक अच्छी खासी गिरावट थी, बट मस्टर्ड इस बार शॉर्टेज की आइटम रहेगी जिसके चलते लोअर लेवल पे हमेशा इसमें बाइंग बनी हुई रहेगी। तो टाइमिंग हमें लगता है अक्टूबर वायदा 8400 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाय करके चलिए 8280 के स्टॉप लॉस से, 8580 से लेके 8600 तक का लेवल हम देख सकते हैं। पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अगर बाउंस आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा बाउंस हम मस्टर्ड में देख रहे हैं। ओके ठीक है, तो आपको लगता है कि मस्टर्ड का मार्केट रिकवर होगा, गिरावट पर बाई करना चाहिए, ये आपकी राय है, लेकिन नेचुरल गैस में भी बहुत तेज़ गिरावट है अजय जी, यहाँ पर कोई ट्रेड आज है या थोड़ा वेट करना चाहिए? बिल्कुल मित्र जी, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इन्वेंट्री का डेटा और साथ में इधर भी हमने देखा था कि हरिकेन इडा और हरिकेन निकोलस के बाद सप्लाई शॉर्टेजेस थी जिसके चलते प्राइजेस ने 411 का भी लेवल क्रॉस कर गया था। टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट था मार्केट, साथ में हमने देखा जो सप्लाई बाधिता थी वो ये हफ्ते में ओपन अप हो जाएगी जिसके चलते हमने ये फ्री फॉल आते हुए देखा। टेक्निकल ग्राउंड की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में अभी भी दबाव रहेगा जो ओवरऑल 320 से 322 तक का सपोर्ट देखने मिल सकता है, बट ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी नेचुरल गैस का अच्छा है बिकॉज पिछले सालों में जो प्रोडक्शन में कटौती हुई है उसका कहीं ना कहीं सप्लाई साइड असर रहेगा जो नवंबर दिसंबर में की विंटर में डिमांड बढ़ती है। तो टाइमिंग मार्केट में गिरावट है जो 320-22 तक का लेवल दिखा सकती है। ओके ठीक है, नेक्स्ट अच्छा चलिए, अब कॉलर हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, चंचल हैं, पहला सवाल चंचल का है, पूछिए चंचल। सर गोल्ड का और सिल्वर का इन्वेस्ट करने का फ्यूचर में कैसा रहेगा? गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना अभी कैसा रहेगा बताइए अजय जी। बिल्कुल, अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पिछले साल अगस्त में हमने 56,000 का भाव देखा था और अब प्राइजेस कहीं ना कहीं 10,000 रुपया डाउनसाइड दिखा चुका है ऑलरेडी। अभी भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बनी हुई जिस ढंग से हमने चाइना प्रॉपर्टी मार्केट का अपडेट आते हुए देखा, तो देखा जाता है जब जब का इक्विटी मार्केट में ऐसा कंसर्न्स होता है तो गोल्ड में सपोर्ट मिलता ही है। तो आई थिंक ये अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर गोल्ड देख रहे हैं तो आई थिंक 46,000 काफ़ी अच्छा है और चांदी भी 60,000 पे अच्छी, क्योंकि हाजिर मार्केट में हमने देखा प्रीमियम बढ़ना चालू हो चुके। चाइना में इस वक्त अगर गोल्ड की बात करें तो $6 से $8 का प्रीमियम दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है फिजिकल मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बेटर है गोल्ड और सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जा सकता है करंट मार्केट पे। ठीक है, अनिल कुमार हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए अनिल जी। एक लॉट है सर सिल्वर का जी, वो हमने खरीदा था 62,451। अच्छा 62,451 पे आपने चांदी में बाइंग की है, अजय जी बताइए क्या सुझाव और अब इनकी स्ट्रेटेजी इस भाव पर क्या होनी चाहिए? देखिए चांदी की अगर हम बात करें तो वैसे भी गोल्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग था। पिछले हफ्ते भी हमने यही उम्मीद रख रहे थे कि चांदी में ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं होगा, बट जिस ढंग से हमने शुक्रवार का डेटा काफ़ी सरप्राइज आते हुए देखा और प्राइजेस में बड़ा फॉल जरूर आया, बट 60 के नीचे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। टाइमिंग हमें लगता है करेक्टिव बाउंस आ सकता है जो 62.5 तक का लेवल दिखा दे, बट ध्यान रखिए बुधवार को रात को 11:30 बजे फेड से मॉनिटरी पॉलिसी के अपडेट आने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मार्केट ये हफ्ता भी काफ़ी वॉलिटी के साथ ट्रेड करेगा, तो बेटर है 62.5 के करीब मिलता है तो इनको वापस अपनी लॉन्ग पोजीशन से एक बार निकल जाना चाहिए, मार्केट में नए अपडेट्स का वेट करके फिर वापस पोजीशन बनानी चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये लेवल अच्छा है, यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र हैं श्यामगढ़ से, पूछिए राजेंद्र जी। मेरा 8,200 में धनिया बाय है तो क्या करना चाहिए मेरे को? जरूर बहुत लॉस हो रहा है। किस कमोडिटी में सर? धनिया। अच्छा कोरिएंडर में, बताइए अजय जी क्या करना चाहिए?
देखिए धनिया में हमने सितंबर के फर्स्ट वीक में जो बड़ी तेजी देखी थी 8500 तक का लेवल दिखा दिया था, ये फंडामेंटल के अगेंस्ट दिख रहा था बिकॉज हाजिर मार्केट में ऐसा कोई जंप नहीं आया था, तो उम्मीद यही थी कि प्राइजेस में करेक्शन आएगा। जिस ढंग से पिछले दो दिनों में हमने सभी एग्री में गिरावट दिखे, उसी के तहत 7500 का एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है धनिया अक्टूबर वायदा। आई थिंक इनको एक एवरेज करना चाहिए 7750 पे, स्टॉप लॉस 7350 का रखिए, एक करेक्टिव जंप देखने मिल जाएगा जो 7900 तक का रहेगा, वहाँ पे ये एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे कमोडिटी में।